हलचल टीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज। हर हलचल पर नजर, हर हलचल की खबर। खराब हुई फसलों के आकलन को लेकर पर्यावरण विभाग के वित्तायुक्त अनुराग रस्तोगी फतेहाबाद में पहुंचे, जहां पर उन्होंने खराब फसलों को लेकर प्रशासन की ओर से किए गए सर्वे की समीक्षा की, जिसके बाद उनके द्वारा चार टीमें गठित की गई जो जिला के 10 गांवों में जाकर खराबे के सर्वे की पूर्ण पड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला में जिन किसानों की कपास को सफेद मक्खी से नुकसान हुआ है, उन्हें सरकार द्वारा उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। वहीं पर्यावरण को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की ओर से धान की पराली को जलाने का काम लगातार जारी है और रास्ते में आते वक्त फतेहाबाद में एंट्री करते ही उन्हें धान की पराली जलती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पराली जलाने को लेकर 45 के करीब किसानों पर मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन कई कारणों के चलते वे किसानों पर सीधी कार्यवाही नहीं कर सकते, जिसके चलते किसानों को समझाने का प्रयास प्रशासन की ओर से लगातार जारी है। उनमें एक सफ़ेद मक्खी वाइट फ्लाई का जो अटैक हुआ था, उस अटैक की वजह से जो फसल है वो इस बारी काफ़ी कमज़ोर हुई पिछले वर्षों के मुकाबले। तो आपकी जानकारी में है कि सरकार ने जो फसल कमज़ोर हुई है उसके लिए मुआवजा किसानों को देना है। उस मुआवजे को निर्धारित करने के लिए, उसका एक्सटेंट समझने के लिए कि फसल कितनी कमज़ोर हुई है, एक स्पेशल गिरदावरी सरकार के द्वारा करवाई जा रही है और उस स्पेशल गिरदावरी के लिए सरकार ने हेडक्वार्टर से भी कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की है। मेरी नियुक्ति फतेहाबाद ज़िले के लिए की गई है कि हम ये देखें और समझें कि किस खेत में कितना नुकसान हुआ है और उसके मुताबिक किसानों को मुआवजा दिया जा सके। सर, एक अब जो धान की जो, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा और अगर मैं कुछ भी लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, किसान भाइयों से, तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो धान की पराली है उसमें आग लगाने का उनको सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फायदा कोई नहीं है। फतेहाबाद से हलचल टीवी के लिए जसपाल सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़। हर हलचल पर नजर, हर हलचल की खबर।